अरे वाह क्या बात है, आज तो एकदम बढ़िया धूप खिली हुई है। थोड़े थोड़े बादल है बट आज तो फिर भी धूप खिली हुई है, बारिश का कोई आसार नहीं है। पेशेंस का देखो यही फल मिलता है, कल मैं नहीं गया घूमने, अब आज मैं इस मौसम के अंदर बाहर घूमने जा सकता हूँ। अच्छे से मैं भी घूम पाऊंगा और अच्छे से तुम लोगों को भी दिखा पाऊंगा कि आखिर क्या मामला है उस जगह का यार। बट उसके पहले देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि मैं अपने लिए ब्रंच बना लूं। आज कंपैरेटिवली फिर भी मैं जल्दी उठ गया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 12 बज रहे हैं भाई साहब दोपहर के, तो आई गेस 12 बजे भी ब्रंच ही माना जाएगा, तो ब्रंच बना लेता हूं मैं अपने लिए, देखता हूं क्या खाऊंगा, फिर निकलते हैं हम घूमने। वक्त तो रहे 12:40 में बहुत जल्दबाजी में निकला, क्योंकि जब मैंने देखा कि वहां पे कैसे जाना है और कौन सी बस लेके जाना है, तो उसने कहा कि ये वाली फलानी बस लेनी है, लेकिन वो बसेस पे सिग्निफिकेंट डिलेस दिखा रहे हैं, क्योंकि 1 बजे कोई तो प्रोटेस्ट है जो फलानी जगह से निकलना है और वो उसी रास्ते पे जाना है आगे, तो 12:40 हो रही है, 12:47 की मैं बस पकड़ूंगा, तो आई होप कि वो उस जगह से 1 बजे से पहले पहले ही निकल जाए ताकि मुझे कहीं अटकना ना पड़े बीच में। इस चक्कर में बहुत जल्दबाजी में निकला और मैं घड़ी पहननी भूल गया, वरना घड़ी मैं जरूर पहनता हूँ, आदत नहीं है मुझे ऐसे बिना घड़ी के, हाथ बड़ा खाली खाली सा लग रहा है यार। जो लोग घड़ी रोज पहनते हैं ना वो इस बात को समझ पाएंगे। वो देखो रणवीर सिंह जा रहा है वहां पे, मैं शहर के ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची है पर सड़कें बहुत पतली पतली है, तो कहीं कहीं धूप आ रही है। जैसे इस बेचारी सड़क पे तो पता नहीं कभी धूप आती होगी, आती भी होगी या नहीं आती होगी, पर यहाँ पे आती है धूप, ऑब्वियसली टाइम टाइम की बात होती होगी, कभी ना कभी तो धूप आती ही होगी शायद। फिलहाल मैं जा रहा हूँ चाइना टाउन में, मैं पहले चाइना टाउन जा चुका हूँ, लेकिन जब मैं पिछली बार गया था तो मैं सिर्फ खाने गया था और जो पूरी मार्केट थी वो बेसिकली बंद ही हो गई थी क्योंकि रात हो गई थी, लेकिन इस बार मैं अच्छे से घूम पाऊंगा। तो जैसे मैं जापान टाउन गया था वहाँ पे सब कुछ जापानीज था, वहाँ पे सारी दुकानें सारे रेस्टोरेंट जो भी सब माहौल था पूरा जापानीज था, इन द सेम वे यहाँ पे चाइना टाउन है और शायद ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है उससे। इन सब बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को देख के लग रहा है कि ये सैन फ्रांसिस्को के शुरुआती दिनों की स्काई स्क्रेपर्स रही होंगी, लेकिन इस बात को बिल्कुल फैक्ट की तरह मत लेना, मुझे तो जैसा फील हो रहा है मैं बस बता रहा हूँ। चाइना टाउन तो मैं पहुंच चुका हूँ, पर यहाँ से ना तुम्हें इस गेट का अच्छा व्यू नहीं दिख रहा, सड़क के इस पार से दिखाता हूँ। अरे ये क्या है इतना धुआं, ये है चाइना टाउन का ड्रैगन गेट, इसकी एंट्रेंस है ये मेन। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था ना तो सारी दुकानें बंद हो रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत खुली हुई थी, तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे सारी वैसी दुकानें हैं जैसे मॉल रोड पे होती है हमारे शिमला, नैनीताल, मसूरी, मनाली, सारे हिल स्टेशन पे जैसे होती है वैसे टाइप की दुकानें थी, पर मैं पिछली बार अच्छे से देख नहीं पाया था, तो इस बार देखूंगा कि क्या मामले हैं इस चाइना टाउन के। शुरू में तो खैर ऐसी दुकानें नहीं है, ये तो काफी महंगी दुकानें लग रही है मुझे, लेकिन यहीं से ही खरीदना चाहिए सामान वामान, तो मैं तो यहीं से खरीदता हूँ अपने घर का सामान। ऐसी दुकानों को देख के लगता है कि मॉल रोड जैसी है, बाहर अम्ब्रेला रखे हैं, थोड़े सूटकेस हैं, कहीं कहीं चश्मे होते हैं, ये कीचेन है, कपड़े टंगे हैं। यार ये सब घर पे कौन लगाएगा, ये तो कैसा सा घर बन जाएगा ये सब लगाएंगे तो हम। ये तो बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे एरिया में फैला है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए यहाँ से। अरे अरे ये भी मिलेगा क्या, ये देखो सारी टी शर्ट मिल रही है, चश्मे देखा मैंने कहा था, बिल्कुल वैसी दुकान है जैसे हमारे मॉल रोड पे होती है, सर्दियों की टोपियां, और मैं क्या ही लूं। और इनके में भी शायद दुकान को बाजार ही कहते हैं, पता नहीं। खाया तो था मैंने यहाँ से पिछली बार इनके एकदम वन ऑफ द रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स में से ही खाया था, पर मुझे तो इतना पसंद नहीं आया, उस हिसाब से स्पाइसी नहीं था वो इतना, लेकिन हमने तो उस रेस्टोरेंट में खाया था जहाँ बैरक ओबामा वगैरह ने खाया हुआ है, तो गए तो हम ढंग के ही थे, पर यू नो टेस्ट प्रोफाइल मैच नहीं करती उस हिसाब से। हमारे यहाँ देसी चाइनीज मिलता है एकदम अलग ही स्पाइसी होता है, उसके फ्लेवर्स भी ज्यादा होते हैं थोड़े, यहाँ थोड़ा फीका होता है, हर दुकान पे ऑलमोस्ट सेम ही सामान रखा हुआ है। कैंटन बाजार में जाके देखता हूँ क्या मामले, काफी बड़ी दुकान लग रही है। ये क्या है भाई, ये ऐसे कब बोलते हैं बताओ, कैसी पैकेजिंग है, सामान बहुत है, सब शौकिया सामान है, लेकिन बहुत सामान है भाई, बहुत सामान है, पूरा भरा हुआ है स्टोर। इतने भी शंकर जी भी मिल रहे हैं यार, सरस्वती जी, शंकर जी, गणेश जी भी हैं इनके पास, पटाखे बहुत मिलते हैं इनके यहाँ, पटाखों का शौक है शायद, पर हम लोग चाइना के पटाखे नहीं चलाते ना। मैं घूमने आया होता ना, जैसे मैं यूएस आया हूँ घूमने, सैन फ्रांसिस्को घूमने आया, तो मैंने एक चीज चलो यहाँ से उठा ली, ऐसी वाली चीजें हैं सब। वो कैमरे की दुकान है भाई, पुराने फिल्म कैमरा देख रहा हूँ मैं, कोई बढ़िया मिलता है तो उसमें एकदम लुक एंड फील ही अलग आएगी ना फिर। भैया बहुत ही महंगा दे रहे थे यार, $600-700 के थे, और वो तो वो वाले हैं जिसके अंदर टेप लगेगी या फिर वो फिल्म पे शूट होगा, तो जब वो खत्म हो जाएगी तो वो नई लेने पड़ेगी, और एसडी कार्ड वाले भी थे, और एसडी कार्ड वालों में तो ऑब्वियसली वो वाली लुक एंड फील नहीं ही थी। यहाँ पे ऐसी ग्राफिक टी शर्ट्स मिल रही हैं, $10 की 3, ऐसी है कि अगर घूमने हो तो ही ले सकते हैं क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कोई एक उठा लो जिस भी चीज का शौक है, गॉडफादर, गानों वानों का, सस्ते में मिल रही है लेकिन चीजें, जैसे इस दुकान पे 5 टी शर्ट $11 की मिल रही है, पर ना ऐसी है मतलब क्वालिटी वालिटी थोड़ी लग रहा है, ये कोई बहुत ही फेमस चीज है,
क्योंकि इसके लिए ना लाइन लगी हुई है, बेकरी है ये। और एक छोटा सा इसने ये खोला, एक आदमी जाएगा एक बार में अंदर। पेस्ट्रीज और कॉफी है, मन तो है मेरा देखो। प्रॉब्लम ये है कि लाइन बहुत ही लंबी है यार, पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा। घूमने वाली मार्केट अब पूरी खत्म हो गई है, बाकी तो पूरा चाइना टाउन का एरिया है, बहुत बड़ा है। सब लोगों के घर वर भी है, लोग रहते हैं यहाँ पे। ये लोग बहुत पुराने टाइम में ही आए होंगे और तभी सेटल वेटल हो गए होंगे यहाँ पे, इसलिए इन्होंने पूरा पूरा एरिया अपने बना दिए है ऐसे। लॉटरी की दुकान है इनकी, ऐसे टिकट खरीदो और पता नहीं आता होगा जो भी नंबर वंबर शो हो रहे हैं। अब तो खत्म हो गया, इसी सड़क से आ रहा था मैं चलते चलते। अब ये जो है सामने का एरिया, ये पूरा नॉर्थ बीच का एरिया है। ये बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को की बहुत फेमस बिल्डिंग है, ट्रांस अमेरिका नाम की। और अब नॉर्थ बीच वाला एरिया मेरे पीछे है, ये पूरा इटालियन से भरा हुआ एरिया है, सब इटालियन रेस्टोरेंट्स वगैरह है। अब जब यहाँ पे भी पहुंच ही चुका हूँ तो थोड़ा सा आगे 10 मिनट की वॉक में एक फेमस पिज्जा वाला है, वहाँ से एक साइज पिज्जा ही खा लेता हूँ। तुमने कभी वेस्टर्न्स देखी है, उसमें जैसे सैलून होता है, ये वो है। सैलून मतलब यहाँ बार बार होता है पूरा। पूरा पिज्जा लूंगा तो मैं ऑब्वियसली उसको नहीं खा पाऊंगा, ये बहुत बड़ा पिज्जा बना के देते हैं। ऑब्वियसली चीज वाला ही लेना पड़ेगा वरना बीफ होगा। पेस्टो वेजी नहीं चाहिए मुझे। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते होंगे, सब स्टिकर्स लगाए हुए हैं उसके, ऐसी कूल बना दी इसलिए उन्होंने दुकान। ये ले लिया मैंने तो एक चीज स्लाइस, सही है साइज में तो पेट भर ही जाएगा मेरा अभी के लिए। अच्छा खासा हैवी स्लाइस था, मेरा तो पूरा पेट भर चुका है। उसका क्रस्ट भी काफी हैवी था भाई, काफी मोटा था, चीज भी भर के था, एक ही स्लाइस में पेट भर गया मेरा।